और मैं आपको बता दूं कि तमोरिया के इतिहास में पहली बार ट्रेन आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे गाइज। अभी जो टाइम हो रहा है समथिंग 9:30 हो रहा है, क्योंकि मैं रात में बहुत लेट से सोया था, पता नहीं अधिक सो गया था, सुबह में जल्दी नहीं उठा। आज की ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मेरे गांव के इतिहास में पहली बार हमारे गांव में ये चीज होने वाला है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि आशीष कहीं जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज। तो चलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की मौसम काफी तेज धूप बता दूं, क्योंकि गाइस सुबह को ठंड लगता है और अभी तेज धूप उगा हुआ है। ठंड और गर्मी का मौसम चल रहा है, कभी ठंड कभी गर्मी, तो बहुत ही हालत। आपको बता दूं कि मैंने लास्ट नाइट कहीं गया था, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके, माहौल काफी अच्छा था। मैं बता दूं कि वहाँ पे भगवत कथा हो रहा था, काफी मजा आया वहाँ पे, और साथ ही साथ विकास भैया का धमाकेदार परफॉर्मेंस, गाना सुनाए भाई साहब, इतना मजा लगा। पहले ये वीडियो देखो, बहुत भैया जी आप सबको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर दो। मैंने बोल रखा हूँ यूट्यूब को किसी से पैसे नहीं लेने के लिए, चाहो तो कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हो। गाइस मैं आपको बता दूं कमेंट पढ़ने में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिनेमैटिक शॉर्ट सीख रहा हूं आप सबके लिए, तो मेरे को सिनेमैटिक शॉर्ट नहीं आता। वैसे गाइस आप लोग सुनते होंगे कि डेली ब्लॉग डेली अपलोड करते हैं, लेकिन आपका भाई ऐसा आदमी है जो डेली ब्लॉग 3 दिन में कंप्लीट करके आपको डिलीवर करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबको बेटर ब्लॉग दिया जाए। क्योंकि गाइज मैं आपको बताऊंगा कि वो डेली ब्लॉग में कंप्लीट क्यों होता है, कि हमारे लाइफ में तो कुछ नहीं होता है, क्या बोला तूने, और आप सबके लाइफ में बहुत कुछ होता होगा, बट मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ न कुछ होता ही रहता है हर टाइम। तो उस सबको वीडियो कैप्चर करके आप सबको दिखाता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे सब्सक्राइबर मेरे फैमिली, तो आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा करके आपको दूँ। अच्छा, और जितना भी मैं ब्लॉग डालता हूँ उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अपडेट डालता हूँ, तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पे, जाओ तो वहाँ पे जाके देखो, बहुत ही प्यारा प्यारा फोटो अपलोड किया हूँ। आज मेरा तबीयत बहुत तेज खराब है, मैं पता नहीं क्या हुआ था, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया, इसलिए ट्यूशन नहीं गया। मैं आपको बता दूं कि आशीष कहीं जा रहा है, आज पहले ब्लॉग में बताया था कि शॉर्ट चैनल क्रिएट करेंगे और वहाँ पे वीडियो डालूंगा, बट इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आशीष आज कहीं कोलकाता जा, 3 मेंबर का अलग अलग रहता था, इसलिए हमने शॉर्ट चैनल क्रिएट किया था, बट वीडियो इसलिए नहीं डाला। आज देख लो आशीष जा रहा है और वापस से कल कोई और जाएगा, इसलिए हम वीडियो नहीं डाला। और वैसे आपको दिखाऊंगा आशीष कैसे तैयारी कर रहा है जाने का कोलकाता, मोटा मोटा सामान सब लेके जा रहा है, दिखाते हैं आप सभी को। और ये देखो अपना आशीष कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे, कोलकाता जा रहे भैया घूमने, कोलकाता जा रहा है भैया, और बैग वगैरह सब कुछ एकदम तैयार है, कितना कुछ ले लिया सो इसमें, कपड़ा है और खाना नाश्ता जो लिए है पूरी सब्जी, अच्छा पूरी भुजिया लिए है, अच्छा। और तब वहाँ पे हावड़ा ब्रिज पे जाएगा ना, हाँ जाएंगे, देखते हैं अभी, अब निकलेंगे थोड़े 10 मिनट के बाद, सकड़ी से ट्रेन है 5 बजे तक, और सवेरे निकल जाएंगे तब ना पहुँचेंगे तो ट्रेन नहीं छूटेगा। आशीष वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे वीडियो शूट करेगा मेरे को लग रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट ही वीडियो पे कितना लाइक हुआ ही बता, पहले वीडियो डाले तो 2 दिन में तो 125 लाइक आ गया, व्यू तो बढ़िया है, 2200 वीडियो चल रहा है, बेस्ट अपना जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है भैया। भैया आपको और हमको कांग्रेचुलेशन, 100 किस लिए गया, इसीलिए 100 बोला, अच्छा ये समथिंग 90 गाइस मैं आपको बता दूं ये समथिंग 98 ब्लॉग होने वाला है ये जब मैं अपलोड करूंगा तब, इसलिए मैं शॉर्ट चैनल नहीं खोला क्योंकि देखो ये गायब हो गया, यानी कब कौन गायब हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट चैनल का वीडियो में डिलीट कर दिया सारा। और ये देखो आशीष छूट जाकर सुपारी लेके आ गए, अच्छा सुपारी नोट भी है ना, रात में भोज भी है, तू 3 दिन भोज मिस करके जा रहा है, अच्छा 3 दिन भोज मिस कर दिया ना, आज देख सकते हो कि फाइनल मैच की तैयारियां चल रही है, तो गाइस आज डे नाइट फाइनल मैच, हमारे साथ मुकाबला होने वाली है सिमरा बनाम
केतनिया के बीच जो कि 8:30 रात से होगी। बहुत ही जोर शोर से तैयारी चली है, काफी देख सकते हो आपको चारों तरफ से एकदम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोरों शोर से चल रही है। यहाँ पे टेंट लगी है एकदम चारों तरफ से, लाइट वाइट सब कुछ लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि तमोरिया के इतिहास में पहली बार डे नाइट फाइनल हो रहा है जो कि 8:30 रात से स्टार्ट होगा। गाइस कुछ अलग होने वाला है और आप बने रहिए वीडियो में, आपको मैं दिखाऊंगा कौन जीतेगा कौन नहीं। और आज तो वीडियो अपलोड नहीं होगी, आज तो मैं शूटिंग करूंगा, लगभग 2 दिन के बाद मैं अपलोड करूंगा। खानवाना खा लिया, भोज भोज पान देख सकते, रसगुल्ला लालमोहन का भोज था, शाबाश बेटा। क्योंकि 8:00 मैच चालू हो गया था और अभी हम 9:30 जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे मैच में कैसा माहौल रहता है। और बताओ कैसा माहौल रहता है ये बताओ। यार आज तो मैच है, वैसे तो आज अच्छा माहौल रहेगा। देखते हैं आज कितने दर्शक आते हैं हम लोग के यहाँ पे मैच। अरे मैया रे मैया, कितना भीड़ है, मैं देख सकते हो यार, बाप रे बाप। और छत पे, उधर छत पे है, इधर देख सकते हो कितना भीड़ है। मैं ट्रॉफी दिखाता हूँ, कितना बड़ा ट्रॉफी दिखाता, चलते यहाँ पे ट्रॉफी भाई साहब। और बिल्कुल डॉट कराने में कामयाब, तो दोनों बल्लेबाजों को दिए थे। मैं आपको बता दूं कि आज 20 ओवर तो 20 रन बना हुआ है और अभी जो 20 ओवर बाकी है उसमें की शिमला बैटिंग करने में बाकी है और देखते हैं कितना रन कौन जीतेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं और जीत गया। कैसा लग रहा है तुम्हें, कौन सा मैच अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शिमला उतना अच्छा खेला नहीं ना, जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं खेला, बहुत घटिया खेला यार, इसीलिए हार की प्रति देख। इस तरह से ये सिंध पर कब्जा जमा चुकी है केतनिया टीम के कप्तान माननीय मुखिया जी श्री गोपाल यादव जी, सिंध प्रदान करते हुए मुकेश जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज मैच कैसी लगी ये कमेंट कर देना, बहुत ही प्यारा सा कमेंट करना क्योंकि आप क्रिकेट के प्रेमी हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। और गाइज मैं आपको बता दूं रात में 1 बज गया मुझे मैच को एंड करते करते, क्योंकि मुझे पता था कि एंड का व्यू बहुत ही अच्छा होगा, इसीलिए हम 1 बजे रात तक जाते रहे और मैच को पूरा देखा। तो मैं चाहता तो 10 से 11 बजे रात में आ जाता, लॉ को एंड करना था वहाँ पे, आप सभी को दिखाना था। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट।